नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 6 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं के करके सभी की बात करते हैं, लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात भी करेंगे। सबसे पहली अपडेट है यूपी टेट के मामले में जवाब जो है वो मांगा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अपर प्राइमरी के जो 3 विवादित प्रश्न थे उनको लेकर दाखिल जो याचिका है उस पर आयोग से जवाब जो है वो मांगा है। यह आदेश जो है वो न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने सुभंता व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग अग्रहरी को सुनाकर जो है वो दिया है। शिक्षित युवा बेरोजगार मंच के जो सत्येंद्र कुमार यादव हैं उन्होंने आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि सुगंधा व 5 अन्य की जो ओर से याचिका है वो 3 विवादित प्रश्नों को लेकर जो है वो दाखिल की गई है। अगली अपडेट है डीएलएड 2022 में आवेदन की बढ़ेगी अंतिम तिथि। ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है और यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी। सीटों के सापेक्ष आवेदक जो है उनकी संख्या 1/3 से भी कम होने के कारण जो है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिन और बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। डीएलएड के लिए आवेदन 15 जून से जो है वो शुरू हुए थे और अंतिम तिथि 6, 7 और 9 जुलाई जो है वो बताई गई है। आवेदन शुरू होने के 20 दिन बाद तकरीबन 75,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि प्रदेश के 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में 10,600 और 3,087 निजी डीएलएड कॉलेजों में लगभग 2,30,850 जो है वो सीटें हैं। तो टोटल मिलाकर 2,41,450 सीटों पर प्रवेश जो है वो होना है। अगली अपडेट है 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की जो है वो भर्ती। 1 चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। स्कूल में 9,000 से अधिक जो पद हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं कि खाली हैं। 2018 में भर्ती में हुई गड़बड़ी से सबक लेकर किया गया है बदलाव। लोक सेवा आयोग का पहले प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा जो है वो कराएगी। इसी के ही अंतर्गत एमटीएस 2021 टीयर 1 परीक्षा के पहले दिन 43% उपस्थित रहे छात्र, उसकी बात भी की गई है। अगली अपडेट है सत्यापन के लिए भेजे गए विशेष वाहक टीईटी की बात यहाँ पर भी की गई, पर यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रही जो शिक्षिकाएं हैं उनको विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। 9 शिक्षिकाओं के टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी मिले थे, उसी की बात यहां पर की गई। अगली अपडेट है अनिवार्य सेवानिवृत्त पर 31 तक फैसला करेंगे विभाग, लखनऊ से न्यूज है, जिसमें 50 साल से अधिक उम्र वालों की अनिवार्य सेवानिवृत्त पर 31 जुलाई तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया गया। स्क्रीनिंग कमेटी को फैसला करते इसकी जानकारी 15 अगस्त तक विभाग को देनी होगी। अगली अपडेट है आपकी युवाओं के लिए जो है वो शुरू होगी नई फेलोशिप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है इसके संदर्भ में। ये फेलोशिप 2 वर्ष के लिए होगी। तकनीकी प्रबंधन डिग्री धारक युवाओं को तैनात जो है वो किया जाएगा। अगली अपडेट है सीबीएसई के नतीजे इसी महीने के अंत तक देखने को जो है वो मिलेंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी जो है वो किए जाएंगे 10वीं और 12वीं के। अगली अपडेट आयुष्मान कार्ड की बात की गई है। नाम में बहुत कुछ रखा है, मिलते जुलते नाम वालों ने कार्ड जो है वो बनवा लिए हैं। नाम में अक्षर बदला तो 1205 हुए अपात्र, वो भी यहाँ पर बताया गया है। आयुष्मान कार्ड क्या होता है, जिसमें जो बीपीएल कार्ड धारक जो भी व्यक्ति हैं उनको इलाज जो है वो लगभग 5 लाख तक रुपये तक का जो है वो मुफ्त दिया जाता है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट नौसेना में 20% तक महिला जो है वो अग्निवीर, यहाँ पर सोमवार तक 10,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया है। 21 नवंबर जो है उससे उड़ीसा के चिल्का में जो है वो प्रशिक्षण बनेगा, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट ऊपर हमने देखी थी फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र वाली। अगली अपडेट है संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आज देखने को जो है वो मिलेगी, जिसमें एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय परीक्षा करा रहा है। 168 केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी कितने पंजीकृत हैं, परीक्षा केंद्र, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगली अपडेट 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती, जो कि हमने ऊपर देखा भी था। अगली अपडेट है अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर 31 तक फैसला करेंगे विभाग। अगली अपडेट है 9वीं से 12वीं में विज्ञान कला और वाणिज्य की बाध्यता जो है वो खत्म होगी, नई शिक्षा नीति के तहत बताया गया है। अगली अपडेट है एमए एमएससी गणित के 2/3 अंक पत्रों में जो है वो गड़बड़ी देखने को जो है वो मिली है। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड परीक्षा के अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो है वो करें वितरित। अगली अपडेट है अनुदेशक भर्ती घोटाला की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका, जवाब तलब। अगली अपडेट है एमएससी में प्रवेश पीएचडी करके जो है वो निकाली है। अगली अपडेट है तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा पर बीएड छात्रों को जो है वो हंगामा, यहाँ पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की बात की गई है। अगली अपडेट है आधे से ज्यादा जो अभ्यर्थी उन्होंने एमटीएस की परीक्षा छोड़ दी है, जो कि हमने ऊपर परसेंटेज आपको बताया था।
अगली अपडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 917 पदों पर जल्द आएगा भर्ती विज्ञापन। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से अध्याचन पहले ही मिल चुका है। अगली लास्ट में कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड अपडेट है कि यूपी ने एक दिन में रोपे 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो पौधे, तो वो यहाँ पर बताया गया है। सेकेंड लास्ट अपडेट है, यूपी पीएससी दो चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है वो परीक्षा। लोक सेवा आयोग को अब तक 5000 पदों का मिल चुका है अधिवाचन, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि सिनर को हराकर सेमीफाइनल में जो है वो जोकोविच जो है वो पहुंच गए हैं। 3 बार के गत चैंपियन है सर्बिया के नोवाक जोकोविच, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में 2 सेटों से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मंगलवार को सिनर हैं उनको हराकर वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है उसके सेमीफाइनल में जगह जो है वो बना ली है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।